बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर डूइंग दी एक्सरसाइज 1A एंड क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स स्टार्ट। इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x एंड y इज इक्वल टू 20 व्हेन x इज इक्वल टू 5। दिस इज अ क्वेश्चन एंड इट्स पार्ट्स 1 इज फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। सबसे पहले ये दो वैल्यूज़ हमें दी गई हुई हैं एक्स और वाई की, और हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि एक्स और वाई को कनेक्ट करे आपस में। और पार्ट टू में जो है इसका ड्रा द ग्राफ ऑफ एक्स वाई अगेंस्ट एक्स। और पार्ट टू में हमने ग्राफ ड्रा करना है जो वाई का और एक्स के बीच में होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। y is directly proportion to x, ठीक है। जब ये हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आएगा इज इक्वल टू के साथ x। k क्या है? k इज द कॉन्स्टेंट, ठीक है। हमें इधर y की वैल्यू भी दी गई है 20 और x की वैल्यू भी दी गई है 5, वो हम इधर पुट करेंगे। ट्वेंटी ओवर फाइव के, और फिर के की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। ये जो 4 वैल्यू आई है ये हम इस अपनी इस वाली इक्वेशन में राइट डाउन करेंगे और वो हमारी इक्वेशन जो है ना वो बन जाएगी वाई इज इक्वल टू 4x। ये हमारा पार्ट ए का आंसर हुआ और ये इक्वेशन हमारी बन गई। नाउ स्टूडेंट्स, हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ये एक्स एक्सिस जो एक्स के लॉन्ग है, ये हम इधर एक्स की वैल्यू ले लेंगे और इधर वाई की, ठीक है। आपने अपनी वैल्यूज देखी हैं, जो एक्स की हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 तक है, ठीक है, और वाई की 8 तक आ रही है। इसी के मुताबिक हम अपना ग्राफ के ऊपर जो है ना वो स्केल सेट करेंगे। 0 से इधर स्टार्ट करेंगे एक्स की 1, 2, 3, 4। इधर जो हमारा बिग बॉक्स है, जो बिग पूरा बॉक्स ये जो बना हुआ है, ये हमने उसके बराबर ले लिया है 1 के बराबर। लेकिन जब हम y एक्सिस में जाएंगे, देखें इधर हमारी जो है ना वो 8 तक आ रही है जा रही है, तो ये हम जो है ना 2 के बराबर रख लेंगे। 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है, ये हो गया। अब जब हमारी वैल्यू x की 0 है तो y भी 0 है। ये x 0 एंड y पे भी 0, ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। जो हमारी सेकंड वैल्यू है वो है एक्स 2 और वाई 8, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू इधर 2 और ये वाई हमारा 8, ठीक है। ये एक्स इधर से 2 और वाई की वैल्यू 8, ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया। एक पॉइंट हमारा ये, सेकंड वाला पॉइंट हमारा ये। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को जो है ना वो ज्वाइन कर देंगे और हमारा ग्राफ ड्रा आ गया लाइक दैट। दैट्स इट। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11। इफ जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वाई एंड जी इज इक्वल टू 48 एंड वाई इज इक्वल टू 6। फर्स्ट वाले पार्ट में फाइंड आउट करना है जो इक्वेशन कनेक्ट कर रही है वाई एंड जी को, और फिर आपने ग्राफ ड्रा करना है जी एंड वाई के दरमियान में, ठीक है। अब जो है ना, हम सबसे पहले सॉल्यूशन, पहले सबसे हमने इक्वेशन फाइंड पार्ट 1, ठीक है, हमने इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है हमें? z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन फिनिश, तो कांस्टेंट आएगा, k इज कांस्टेंट, ठीक है। z की वैल्यू 48 और y की वैल्यू 6, इसके नीचे चले गया, ये डिवाइड होगा। एंड 6 8 48, ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। ये अब हम इस इक्वेशन में राइट डाउन करेंगे 8 ओवर y,
हाँ जी, तो अब हमारे पास ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये पार्ट वन का आंसर आ गया। अब पार्ट टू में हमने ग्राफ ड्रा करना है, और ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए। पॉइंट्स कैसे आएंगे? हम इसमें वैल्यूज़ राइट डाउन करके जो है ना हमारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। सबसे पहले जब व्हेन y इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर आप y की ज़ीरो वैल्यू रखते हैं तो z आपके पास क्या आता है? ज़ीरो, ठीक है। और अगर आप फिर y की वैल्यू जो है वन रखते हैं, ठीक है, वन y इज इक्वल टू वन, तो z की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? एट, ठीक। नाउ वी विल ड्रॉ। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस वाले जो है ना, हम ये वाली जो लाइन है ना, इसको हम y कह लेते हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये हमारी z हो जाती है, ठीक है। इसको हम y कह लेते हैं और ये z हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं ज़ीरो, y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है वन, ठीक है। आप इधर बेशक टू ब्लॉक वन के बराबर रख लें, ठीक है, वन टू, ठीक है। ऐसे इधर आपने y की वैल्यूज़ रख लें और z की आप वैल्यूज़ रख लें, टू फोर सिक्स एट, ठीक है, और इधर तक टेन, ठीक। ये हमारी z एक्सिस जा रही है, ठीक है, और ये हमारा y एक्सिस, ठीक है। इस तरफ z की वैल्यूज जा रही हैं और इस तरफ हमारी y की वैल्यूज जा रही हैं। y जब ज़ीरो है तो z क्या है? ज़ीरो, ठीक है। एक हमारी वैल्यू इधर आ गई, ये पॉइंट आ गया, दोनों ज़ीरोस और दोनों इधर वैल्यूज। नेक्स्ट, जब y वन है तो z क्या है? एट है। y की वैल्यू इधर वन और z की वैल्यू इधर एट, सेकेंड पॉइंट हमारा इधर आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और हमारा ग्राफ ड्रा हो जाएगा y एंड z के दरमियान। दैट्स इट स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट, द नेट फोर्स एफ न्यूटन नीडेड टू पुश अ ब्लॉक अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एम की जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन एम इज इक्वल टू 5, एफ इज इक्वल टू 49। नंबर वन, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग एफ एंड एम। नंबर टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ व्हेन एम इज इक्वल टू 14। नंबर थ्री है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वन व्हेन एफ इज इक्वल टू 215.6। और नंबर फोर, ड्रा अ ग्राफ ऑफ एफ फोर्स अगेंस्ट एम। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट वन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने इक्वेशन को कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन जो कनेक्ट करेगी f, हमें गिवन क्या है? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m, प्रोपोर्शनैलिटी साइन इज फिनिश्ड, देन देयर कम कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट, k इज द कांस्टेंट। हमें वैल्यूज दी गई हुई हैं m की भी और f की भी, ठीक है। ये वैल्यूज रही, m की 5 है और f की 49 है, ठीक है। ये हम वैल्यूज अपनी सिचुएशन में राइट डाउन करेंगे, 49k और m हमारे पास है 5, 49/5। 49 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है, आप इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, 9.8, ठीक है। ये k की वैल्यू आ गई हमारे पास। इस वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में राइट डाउन करेंगे, ठीक है, 9.8 m। ये हमारा पार्ट वन सॉल्व हो गया, ये पार्ट वन का आंसर है। नाउ स्टूडेंट, पार्ट नंबर टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ f। हमने अब f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब m हमारे पास आ जाए 14। तो वो जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन आई थी उसके अंदर हम इसकी वैल्यूज जो है ना वो राइट डाउन करेंगे, ठीक है। वो इक्वेशन हमारे पास थी f
इज इक्वल टू 9.8 m, ठीक है। इधर हम f के साथ इसकी वैल्यू 9.8 के साथ m की वैल्यू उन्होंने हमें प्रोवाइड दी हुई है वो है 14 पार्ट टू में, ठीक है। हम इधर ये वैल्यू को इसको 9.8 को 14 से मल्टीप्लाई कर दें। यू कैन यूज़ कैलकुलेटर, नहीं करना चाहते वैसे आप मल्टीप्लाई कर लें। देखिए 9.8 मल्टीप्लाई बाय 14 आपके पास आया 137.2, ठीक है। नाउ स्टूडेंट पार्ट नंबर 3, अब आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि आपके पास f की वैल्यू दी गई हुई है, ठीक है। ये आपके पास पार्ट 2 का आंसर। अब पार्ट 3, 9.8 m हमने फाइंड आउट आप करनी है m की वैल्यू। f आपको दी हुई है 215.6, 9.8 m, ठीक है। m 215.6 को आपने डिवाइड किया 9.8 पे तो हमारे पास आ जाएगी m की वैल्यू, ठीक है। 215.9 डिवाइडेड बाय 9.8 वी गेट 22 हमारे पास ये kg आ गई इसकी m की वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास पॉइंट 4 जिसमें हमने ग्राफ ड्रा करना है इसके बिटवीन में f और m के दरमियान में, ठीक है। और ग्राफ ड्रा करने के लिए हम सबसे पहले इसके पॉइंट्स बना लेंगे, ठीक है। अगर आप f की वैल्यू 1 पुट आउट कर लेते हैं, m की वैल्यू 0 रखते हैं, m 0 तो f आपके पास क्या आ जाएगा 0। और अगर m आप रखते हैं 1, ये ऊपर इक्वेशन लिखी हुई, तो f आपके पास आ जाएगा 9.8। वेरी सिंपल, इजीली आपने इनके पॉइंट निकाल लेने और फिर आपने ग्राफ ड्रा करना है f और m के अगेंस्ट। नाउ वी विल ड्रॉ। इधर से हमारे पास m की जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो है 1 तक, ठीक है। तो वो उसी तरह ही हम जो है ना इसको इधर भी ले लेंगे। टू ब्लॉक्स जो बिग ब्लॉक्स हैं वो 1 के बराबर ले लें और ये 2 हो गया, ठीक है। इधर आप ऐसे 2, 4, 6, 8 और 10 आपने 9.8 तक जाना है, ठीक है। 0 पे वैल्यू 0, एक पॉइंट आपका इधर आ गया, और 1 पे आपकी वैल्यू आएगी 9.8, ठीक है। ये देखें आपका 8, इसके जो 5 ब्लॉक्स होंगे वो 9, और उसके आगे से जो 4 ब्लॉक्स होंगे उधर 9.8 तक आएगा। देखें 9.8 में 0.2 प्लस करें तो वो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इधर 1 के ऊपर इधर बिल्कुल 10 वाले एक ब्लॉक पे देखें 5 ब्लॉक 1, 2, 3, 4, 5 इधर तक आपका 9, और ये फिर 4 ब्लॉक्स 9.8, सेकेंड पॉइंट आपका इधर आया। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर देंगे तो ये हमारा ग्राफ ड्रा हो गया अगेंस्ट एफ एन एम, ठीक है। और आप इधर अपने पॉइंट्स राइट डाउन भी कर लें, 0, 0, 0, 9.8। देखिए 0 की ये वैल्यू एक्स एक्सिस पे आपने ली हुई है ना, तो इधर फर्स्ट पे ये 0 आएगा, और ये वाली वैल्यू आपने वाई पे ली हुई है तो ये इधर दूसरे इस साइड पे आएगा, ठीक है। दैट्स इट स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, द प्रेशर पी पास्कल्स ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर टी केल्विन, ठीक है। ये पास्कल और केल्विन्स जो है ना ये इनकी यूनिट है, ठीक है। ये प्रेशर की है और ये टेम्परेचर की है। वन टेम्परेचर टी इज इक्वल टू 10, पी इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये वैल्यूज उन्होंने दी है। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन के भी 4 पार्ट्स हैं, सबसे पहले पार्ट में आपने फाइंड आउट करना है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग पी एंड टी, हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सेकेंड वाले पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ पी व्हेन टी इज इक्वल टू 20, हमने पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिधर हमें टी 24 दिया गया हुआ है। और थर्ड वाले पार्ट में हमने टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब पी हमें 12 दिया गया हुआ है,
और लास्ट वाले पार्ट में हमने ग्राफ ड्रा करना है पी का अगेंस्ट टी. लेट स्टार्ट स्टूडेंट. सॉल्यूशन गिवन है हमें, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर. ये वेयर के इज कॉन्स्टेंट. हाँ जी, और ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म होगा तो इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा. ठीक है, अब हम इधर वैल्यूज राइट डाउन करेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. वैल्यूज क्या है हमारे पास, टी 10 और प्रेशर 25. 25 ओवर 10 के की वैल्यू ये हमारे पास आ गई 2.5. ठीक है, ये वैल्यू हम अपनी इस इक्वेशन में राइट डाउन करेंगे. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन कनेक्टिंग हो गई और ये हमारा पार्ट वन सॉल्व हो गया. अब हम पार्ट टू में, हमें उन्होंने वैल्यू दी हुई है टी की, वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, और हमें दी गई हुई है टी, दिया गया हुआ 24. ठीक है, अब हम इधर वैल्यू राइट डाउन करेंगे. टी क्या दिया गया हुआ हमें, 24, सॉरी 2.5 है. ठीक है, पी हमें 24 दिया गया हुआ है. हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा हमारा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 24, 60. ठीक है, ये हमारे पास 60 पास्कल्स प्रेशर आ गया. अब नाउ स्टूडेंट पॉइंट नंबर थ्री में हमें दिया गया हुआ है, हमने फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी. टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि हमें प्रेशर 12 गिवन है. ठीक है, ये हमने इधर टी पी हमें 12 गिवन है और ये 2.5 टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. 12 को आप डिवाइड कर लें 2.5 पे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी टेम्परेचर की, 12 डिवाइडेड बाय 2.5 हमारे पास आंसर आया 4.8. ठीक है, ये हमारे पास केल्विन्स टेम्परेचर आ गया. ठीक है, नाउ पार्ट नंबर 4 जिसके हम अंदर हमने बनाना है, ग्राफ ड्रा करना है. ठीक है, ग्राफ ड्रा करने से पहले हम ग्राफ के पॉइंट्स ले लेंगे. ठीक है, अगर हमारे पास पार्ट नंबर फोर देखें, हम इधर ग्राफ की वैल्यूज राइट डाउन करके एक की वैल्यू रख कर हम दूसरी की जो है ना वो वैल्यू निकाल लेंगे. देखें, अगर हम इधर टी की वैल्यू रखते हैं, ये हमारी इक्वेशन निकली थी ना, टी की वैल्यू 0 वन, टेम्परेचर 0 होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, 0. ठीक है, नेक्स्ट वाले पॉइंट में आप इसको 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है. ठीक है, मैं इधर इसकी 2 रखूँगी. ठीक है, तो 2 को हम इससे 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा 5. ठीक है, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई. अब हम इनके बीच में ग्राफ ड्रा करेंगे, लाइन लगाएंगे और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, और फिर हम इस पर जो है ना वो पॉइंट जो है ना वो राइट डाउन कर लेंगे, स्केल ड्रा कर लेंगे. ठीक है, इधर स्केल 0 से, क्योंकि हमारी टी की जो मैक्सिमम वैल्यू है 2 है. ठीक है, आप इसको बिग ब्लॉक को 1 के बराबर रख लें, 1, 2, 3, 4. ठीक है, और प्रेशर में जो है ना वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 5. ठीक है, इसको बेशक आप 2 के बराबर रख लें, 1, 2, 3, 4, 5 या ऐसे भी रख लें. ठीक है, मैं इसको ऐसे रख रही हूँ, 2, 4, 6, 8. ठीक है, ये इस तरह, सबसे पहले जब 0 था प्रेशर तो हमारे पास टेम्परेचर भी क्या आ गया, 0. फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था. ठीक है, आपने इधर पॉइंट भी राउट डाउन कर लेने हैं ये. ठीक है, जब 0 था तो हमारे पास वो भी प्रेशर भी 0 था. ठीक है, जब हमारे पास टेम्परेचर 2 है तो हमारे पास प्रेशर कितना है, 5.
ये देखें, ये 2, ये 5, ये 4 है, 4 और 6 के मिडल के मिडल में जो है ना वो हमारा 5 है, ठीक है। ये 10 स्मॉल ब्लॉक्स है, तो ये हम 5 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये इधर आ गया 5, ठीक है। ये अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, इधर भी आप अपना पॉइंट लिखेंगे 2, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम 2 पे थे और इधर वाई एक्सिस के 5, ठीक है। और ये हमारा ग्राफ ड्रा हो गया प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान। दैट्स इट स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, वी विल डू क्वेश्चन नंबर 14। द अमाउंट ऑफ वोल्टेज वी वॉल्ट्स नीडेड टू सेंड टू फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट थ्रू अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेजिस्टेंस आर्स ओम्स। When R is equal to 6 and V is equal to 9, find an equation connecting V and R. अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो V और R को आपस में कनेक्ट कर रही है, ठीक है। सबसे पहले हम इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे और सेकंड में हमें व्ही की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि आर हमें 15 दिया गया, और थर्ड वाले में हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि हमें वी 15 दिया गया हुआ है, और फिर ग्राफ बनाना है दोनों का, वी का अगेंस्ट आर के। लेट स्टार्ट। सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है, क्या है वी हमें गिवन, क्या है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर, ठीक है। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन फिनिश होगा तो के कांस्टेंट और वेर के इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। आर की वैल्यू भी हमें गिवन है और वी की वैल्यू भी, 9 और आर है 6 जी। ये 9 डिवाइड होगा 6 पे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डिवाइड करके 1.5, ठीक है। ये के की वैल्यू आ गई, ये हम इस इक्वेशन में राइट डाउन करेंगे और हमारे पास ये इक्वेशन बाकी, ये हमारा पार्ट वन का आंसर। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू पार्ट नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ वी व्हेन आर इज इक्वल टू 15, ठीक है। जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी वो हमारे पास बनी है वी इज इक्वल टू 1.5 आर, ठीक है। अब पार्ट टू में हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वी की जबकि आर हमें गिवन है 15, ठीक है। अब 1.5 को 15 से मल्टीप्लाई कर लें और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये वोल्ट्स, ये आपका वी आंसर पार्ट टू का आंसर। नाउ पार्ट नंबर 3, अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है आर की जबकि हमें वी गिवन है 15। इक्वेशन थी हमारे पास 1.5 आर, अब हमें वी की वैल्यू 15 गिवन है और हमने आर फाइंड आउट करना है। 15 डिवाइडेड बाय 1.5 ये हमारे पास 10 आ गया ओम्स, ठीक है। ये आर की वैल्यू आ गई, ठीक। ये हमारा पार्ट सी भी सॉल्व हो गया। अब हमने ग्राफ ड्रा करना है आर और वी के अगेंस्ट, ठीक है। और इस ग्राफ को भी ड्रा करने के लिए पहले आप पॉइंट्स ले लेंगे, ठीक है। देखें पार्ट नंबर 4 के पॉइंट्स, व्हेन आर इज इक्वल टू 0 तो वी भी हमारा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं आर को, ले लेते हैं 2, तो वी क्या हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। 2 जब मल्टीप्लाई होगा 1.5 से तो ये 3, ठीक है। ये दो नाउ स्टूडेंट्स, हम अब ग्राफ ड्रा करेंगे आर एंड वी के दरमियान, ठीक है। आपको पता है वी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 तक गई हुई है और आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो गई है 2 तक, ठीक है। आप इस तरह ले लें, 1 इधर 0, 1 2 3 4,
ऐसे ले लें, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये हमने अपना स्केल बना लिया। नाउ ज़ीरो वोल्टेज पे हम ज़ीरो वी और आर की, वी की अगर वैल्यू ज़ीरो है तो आर भी हमारे पास है ज़ीरो, ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया ज़ीरो ज़ीरो का, ठीक है। नेक्स्ट अगर आर की वैल्यू है 2 तो वी है 3, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये इधर आ गया, ठीक है, ये वेरी इजी। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा ग्राफ ड्रा हो जाएगा अगेंस्ट वी एन आर के, ठीक है। आपका पॉइंट बिल्कुल इसके अंदर से, पॉइंट के अंदर से पास आउट लाइन करनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। इधर हमारा पॉइंट आएगा वी 3 और आर 2, ठीक है, दैट्स इट स्टूडेंट, थैंक यू।